रहीम दोस्तों साथियों डॉक्टर शब्बी चौधरी की तरफ से आप साहब को वालेकुम वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड जनाब आज मेरे भी महान हैं शोकत अली कश्मीरी साहब जो कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के यू के पी एन पी के चेयरमैन हैं इसके अलावा एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लाइन्स के सेक्रेटरी जनरल हैं और उनकी बेशुमार खदमांत हैं राइट्स uh, फ्रंट और जम्मू कश्मीर के लिए शोकत कश्मीरी साहब किसी आप के मुताज नहीं है आप उनके नुता नज़र से इतराफ़ कर सकते हैं लेकिन उनके विजन जो है ना उसकी आपको दाद देनी पड़ेगी कि वो वक़्त जब आपके हर आदमी मिलिटेंसी के बैंड पर चढ़ना चाहता था और आप सबसे अपने आपको, आपको बड़ा जद जाता था उस वक्त शोकतली कश्मीर ने कहा था कि ये मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है बात करना भी गुना समझा जाता था कश्मीर साहब वेलकम टू माई शो थैंक यू सर अरे कश्मीर साहब मेरी बड़े खुलकर बातें करनी है आज आपसे ठीक है जी देखिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर क्या ने आजाद कश्मीर क्या ने पीओ के क्या जो भी नाम लेने आप ठीक है जी वहां पर इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा हुआ है ठीक है जी वो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ बहुत सी खबरें आ चुकी हैं इस बार, तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ है वट एक्चुअली हैपन क्यों हुआ है डॉक्टर सब हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इन इलेक्शन में लेंट अफसरों के रोल को देखने नहीं चाहते या देख उनकी देखने की सलाहियत नहीं है असल मसला यह है कि जो ये लैंड ऑफिसर्स हैं जैसे चीफ सेक्रेटरी है तो चीफ सेक्रेटरी को हमेशा पाकिस्तान की गवर्नमेंट तैनात करती है आजाद कश्मीर में और आजाद कश्मीर वो पाकिस्तानी होता है और वो, वो पाकिस्तानी होता है और फिर ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो सिविल ब्यूरोसी है वो सारी उसके अंडर है एक ऑफिसर जो है उसकी प्रोमोशन के लिए जरूरी है कि उसकी जो ए लिखी जाए वो उसके हक में हो तभी जाके वो प्रोमोशन ले, ले पाता है वो अलग कहानी है कि आजाद कश्मीर की ब्यूरोसी का कोई भी फर्ज है वो कितना ही कैपेबल क्यों ना हो कितना ही अहल क्यों ना हो लेकिन वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता वो हमेशा चार लेंट ऑफिसर्स पाकिस्तान से आते हैं पाकिस्तानी हैं और वही डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो है वो है हैं इसी तरह जैसे पुलिस है पुलिस का भी कोई एस जो है वो उसकी तरक्की का इस पे है कि उसका बाला ऑफिसर जो है वो उससे खुश हो और चूँकि आई आईजी जो है वो पाकिस्तान से आता है तो लिहाजा पुलिस के अंदर भी जितनी तरक्याँ हैं उन तरक् का दारदार इस बात पे है कि उनकी जो है वो जो रिपोर्ट हो वो दुरुस्त हो और ये सारी ताब फरमा ब्योक्रेसी जो है वो उनके अहकाम की पैरवी करती है और इलेक्शंस जो है हमारे यहाँ शायद तो कई जगहों पे जो बैकवर्ड एरियाज हैं या सराद सरादी, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं वहाँ तो खैर आप कह सकते हैं कि लोगों की कोई से नहीं है वहाँ एफ आई यू या आई एस आई का छोटा सा भी मुलाजम होता है वो वहाँ का हकीकी रूलर्स होता है जो कि उसकी मर्सी पे वो लोग होते हैं जिसको चाय उठा के बंद कर दे और ये करार दे दे कि ये एजेंट है हमने पकड़ लिया तो आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान की कोई अदालत भी उसको जो है वो छुड़ाने की पोजिशन में नहीं होती तो लिहाजा ये एलेक्शनस जो है वो बेसिकली ब्यूरो ऑफिसर्स इसको मैनेज करते हैं और फिर अब आजकल तो चूँकि जो आई एस आई है उसकी डेथ जो है वो हर जगह मौजूद है और वो इन एलेक्शन को मज़ीद अगर कहीं से भी कोई आ, आ, उनको इम्कान के इस्लामाबाद से आए हुए ऑर्डरस जो मतलूबा नतज हैं उनके ख़िलाफ़ कहीं कोई सूरत हाल है तो उसको भी वो मैनेज करते हैं इन इलेक्शन यानी इन इलेक्शन की आप हैं, ये देखिए कि एक आईएसआई का हाजर सर्विस ब्रिगेडियर जिसका जिसके अख्तियार में गलगित बल्तस्तान और पूरा आज़ाद कश्मीर होता है ब्रिगेडियर रैंक का वो रंगे हाथों पीटीआई के लोगों की जो पैसे लेते हुए भी और साथ में ये चीज़ें तो रिपोर्ट हो चुकी हैं के पीटीआई के तमाम के, के, के आ, लिस्ट जो है, वो उसने मरतब की और इसके साथ साथ तय हुआ जब इलेक्शन हो जाएंगे तो हर बीस, बीस करोड़ देगा जो है वो बर्गेडियर को। और कुछ शिकायतों पे कुछ शोर शराबे पे फिर उसको हटा के तो एक दूसरे ब्रिगेडियर साहब को ताजा दम ब्रिगेडियर को भेजा और उसने भी वही फॉलोअप किया उसने वहां जाके किसी किस्म का कोई गैर जानमदार रोल अदा नहीं किया और आप एक और चीज ये देखिए कि अभी जो जो सोकार इलेक्शन हुए और उसके जो नतज हैं उन नतज में छ लाख वोट लिए हैं पी टी आई ने आ, पांच लाख वोट लिए हैं नून लीग ने और कमो बेश तीन लाख वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने अब यार ये देखिए कि तीन लाख पी टी आई ने वोट लिए पीपल्स पार्टी ने वोट लिए और पीपल्स पार्टी के असम्बली मेंबरान की तादाद है बारह छह लाख वोट लिए हैं पीटीआई ने और उसके मेंबरान जो हैं वो हैं पच्चीस और नो लीग ने पांच लाख वोट लिए हैं और उसके मेम्बर की तादाद जो है वो है छ तो इस तरह जो है वो हमने देखा जाहिर है हम वहाँ वहीं के रहने वाले हैं हमारी दोस्तियाँ हैं कोई जगह शायद ही आज़ाद कश्मीर की ऐसी हो अ गर्गित में भी जहाँ हमें हमें रसाई हासिल न हो या लोगों से तलक वास्ता न हो तो ये इलेक्शन तो टोटली रिग्ड हैं बल्कि आज है इस्लाम मुजफ्फराबाद में फ़ारूक हदर साहब ने और कुछ पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के जमान हैं जिसमें सबक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब और अहसन तो इकबाल साहब और कुछ लोग वहाँ मौजूद थे तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो ये सिंपली कहा कि जनाब पच्चीस जुलाई को जमूरीत हार गई और फारूक आदर साहब ने ये कहा कि ये फिर में मैं किन के पास लेके जाऊँ हमें ये कहा जाता है कि आप चुप रहें क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो इंडिया इससे फायदा उठाएगा और पाकिस्तान के बेशर जो तजिया नगार हैं उन्होंने यही कहा कि किसी किस्म का यहाँ कोई एहत नहीं होगा आ, वो जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि इलेक्शन अगर रिग्ड हुए तो हम शरा दस्तूर पे धरना देंगे तो उन्होंने कहा कि ये एरियाज क्योंकि बहुत सेंसिटिव हैं और यहाँ पॉलिसियाँ पार्टी जो तरतीब दी जाती हैं वो इंडिया इंडिया स्पेसिफिक होती हैं तो लिहाजा ये है कि ये दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गर्गित बल्तस्तान में लोग जो है वो इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद की कुर्सी से बहुत प्यार करते हैं और जो कोई भी बैठा होता है ये रिस्पेक्टिव आ, वो इमरान खान हो या वो नवाज शरीफ हो या वो जरदारी हो या कोई हो ये लोग वोट उसको देते हैं यानी बेसिकली इसके पीछे हमत अमली उनकी ये है कि ताकि पूरी दुनिया में ये प्रोपगंडा किया जा सके कि यहाँ जो है वो लोग हैं लोगों की मोहब्बत और अक़ीदत इस कदर है कि वो ये नहीं देखते कि कौन बैठा हुआ है यहाँ पीटीआई नहीं जीती है यहाँ इस्लामाबाद की कुर्सी जीती है मैं कहता हूँ कुछ लोग जो है मैं बात आ करना चाहूंगा मैं देखिए तो एक तो यह है कि जो लेंट अफ, हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़ करते हैं एक बात ये तो तो यह आ गई और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इन यानी इलेक्शन को या सिलेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया फ्राम इस्लामाबाद उनका जो अपना एजेंडा है उसको एडवांस करने के लिए ठीक है जी और वैसे किसी पा, एक पाकिस्तानी साफी ने कहा है कि सत्तर या तिरहत्तर सालों में जंग तो एक भी नहीं जीती लेकिन एक भी नहीं आ रहे जा। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे तो इनको मैं मुबारकबाद दे सकता हूँ पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तानी शाबाश अपने लोगों को फटा करने में आपका दुनिया में कोई सानी नहीं है मतलब वेरियंस को एक और इबरतनाक

मकम्मल तौर पर एक्सपोज हैं नहीं नहीं कह रहे आप ठीक कह है रहे हैं उनकी खामियां बेनकाब हो गए हैं लेकिन रिजल्ट तो मैनेज हो गया ना, ना रिजल्ट तो मैनेज हो गया रिजल्ट मैनेज हो गया है और इसके साथ साथ आप ये देखिए आजाद कश्मीर के इदारों की महकूमी के एलेक्शन कमीशन जो तो है उसने नोटिस जारी किया अली अमीन गंडापुर के लिए कि आप आजाद कश्मीर छोड़ दें उनको आजाद कश्मीर बदरी का हुक्म दिया और है लेकिन लेंट ऑफिसरों ने उसको एग्जीक्यूट उन ऑर्डर को नहीं किया इसी तरीके से वो असम्बली के कैंडिडेट्स जिन जिन के हल्कों में इस ऑर्डर के बावजूद जो है वो वहां गए हैं उनके खिलाफ भी शिकायत वो की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई फिर ये है कि इलेक्शंस में आप ये देखें कि अली गंडापुर रंगे हाथों जो है ना वो लोगों को पैसे दे रहा है पांच लाख रुपया उसने वो किया और फिर साथ में ऐलान किया कि हम एक वोट के पीछे जो है वो पांच लाख रुपया देंगे आप पीटीआई को वोट दें तो ये तो इलेक्शंस की नॉर्मल जो जो एथिक्स जो एथिक्स भी है वो लॉ भी है कि जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस हो जाए तो उसके बाद कोई शख्स किसी किस्म की कोई तरक्यात या किसी किस्म का कोई इंसेंटिव नहीं दे सकता हाँ अपनी पार्टियों के मंशूर बयान कर सकते हैं आवाम को आ, ये बता सकते हैं कि हम मुस्तबिल में यह करेंगे लेकिन इस तरह की फिगर कि हम एक वोट के लिए इतने इतने लाख रुपया देंगे इससे बड़ी मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म की आ, कोई खरीदो फरोख्त है किसी इलेक्शन में हुई होगी और वजह ये थी कि किसी ने कोई परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें पता है कि इनको एक टैग लगा के तो इनकी ज़बानें बंद कर दी जाती हैं कि जी इससे इंडिया फायदा ले लेगा और हमेशा हमारे हुकूक की तहरीक को जब भी किसी ने फॉलो नहीं की इनके इंस्ट्रक्शन को और इसके बावजूद वो बोलता रहा तो उन सब लोगों के खिलाफ रोपगंडा यही किया जाता है कि ये इंडियन एजेंट हैं और आज हैं मुस्लिम लीग नून के वो लोग जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर धांधली हुई जिनको एक स्कीम एक मनसूबाबंदी के तहत हराया गया है लेकिन उनको भी कहा गया है कि आप ज़बान बंदी करें अगर आपने कुछ कहा तो इंडियन मीडिया उस बात को उठा लेगा तो और वो आजाद कश्मीर के जो इस वक्त भी अभी तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फारूक हैदर है जो ऑस्टेड हैं होने वाले हैं ऑस्ट होने वाले हैं तो उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया और इस अजम का इजहार किया कि मैं चुप नहीं बैठूंगा और मैं पूरी दुनिया में डाइसपुरा कश्मीरियों के सामने भी अपना ये केस रखूंगा कि के किस तरह पाकिस्तान वालों ने हमारे हमारे साथ हैं और हमारे इलेक्शंस को रिक किया पाकिस्तान के लोगों ने एक मिनट के भाई ये चाहे कुछ भी कर ले ये अभी आज ताजा ताजा दम है ये बयान करते हैं और फिर ये लोग सर सर नीचा करके तो ये असम्बली के अंदर चले जाएंगे जैसे पाकिस्तान की जो 2018 के इलेक्शंस में सभी लोगों ने कहा और दिन दिहाड़े धांधली करके छः लाख फौज लगा के तो पाकिस्तान में भी इलेक्शन रिग किए गए और अपोजिशन पार्टियों ने बड़े दावे किए लेकिन बाद अजह जो है ना वो खेचाता नहीं करके फिर सारे असम्बली में पहुंच गए फिर एक पीडीएम बनी उस पीडीएम को भी आप ये देखें कि तो उन्होंने बड़ा बयानिया रखा कि हम वोट की इज्जत के लिए हम सिविलियन सुपरा के लिए लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखें तो उस अपोजिशन की भी दाल जूतियों में तकसीम हुई और और वो पी, पी डीएम जो है वो आ, आप कह सकते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर दिया गया तो अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान की पेरी के अंदर रहने वाला एक लैंड लॉक था जिसका अपना कोई इंडिजिनस मीडिया नहीं है सो सोशल मीडिया के और जो हमारे अखबार है यानी प्रिंट मीडिया चंद एक प्रिंट मीडिया है भी तो उन लोगों को भी हमेशा ये तलवार जो है ना उनके गर्नों पर लटकाई हुई है कि अगर आपने कोई भी न्यूज़ जो 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 हसास पाकिस्तान के तो आ, आ, एक, एक छापी तो दूसरे दिन ही उसको वो रिमूव करने पड़ी वो ये अलग बात है कि कुछ इंडिपेंडेंट जो, जो साफी हैं उन्होंने उस खबर पर बहुत तबसरे किए लेकिन हुआ क्या है में में... ये था यहाँ पर गंडापुर गंडापुर पर मैंने अलग सवाल रखा हुआ था आपने कुछ उसका जवाब दिया तो देखिए गंडापुर साहब को इलेक्शन कमीशन ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया हुक्म पर अमल नहीं हुआ ठीक एक बात और फिर यह है कि पहली बात है कि रोल सामने आता है फिर यह है कि जो इमरान खान है जो पाकिस्तान के वजह अजम है वो उसको साथ लेकर हर जगह जा रहे हैं तो वो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं कि भी पाकिस्तान जो आपके हुक्मरान जो हैं या वजी आजम जो हैं चीफ एग्जीकटिव वो इलेक्शन कमीशन ऑफ आजाद कश्मीर के हुक्म को जूते की नोक पर ही रखते वो उनको हर जगह स्टेज पर उठाकर गाड़ियों दिलाते हैं लोगों को तो आप ये क्या मैसेज क्या जाता है देखिए मैसेज ये जाता है कि आप हमारे डिफेक्टो पार्ट हैं और हम जैसे चाहें ऐसा करेंगे आपके ये लोकल ऑफिसर जिनको जिनको आप तनख्वाह देते हैं या आप पावर देते हैं हम इसकी कोई परवाह नहीं करते और ये बात मुदरश हो गई है कि आज़ाद कश्मीर का ये जो खत्ता है इस इसमें वर्स टाइप ऑफ स्लेबरी है और लो, लोगों को जोर जबरदस्ती से सब सर्वियंट बनाया गया है और कोई कोई ऐसी वॉइस जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरान सुनने के लिए तैयार नहीं है

फिर हम 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 ये कहते हैं कि जो इशू उन्होंने रेज किए उनका जात कश्मीर से तलक ही नहीं है एग्जैक्टली exactly, exactly. बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और बात ये है कि वो लोग जिनको आज भी किसी किस्म का कोई कन्फेशन है उनको कम से कम ये इलेक्शंस और इसमें इतनी खुली धांधली जो है वो उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है कि किस तरह पाकिस्तान के वफा के वजीर धन धनाते हुए मुख्य फैल्कों में गए और उन्हें किस तरह की गालम गलोचें का आगाज किया और हद तक जब लोगों ने गंदे अंडे टमाटर जूते इस तरह की चीजें की तो उन पे एक एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वफाकी वजीर जिस वफाकी वजीर का पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में देखे हैं तो उसका रोल ये होता है कि वो आजाद कश्मीर के लोगों में हमांगी पैदा करने के लिए अपना रोल पैदा करेगा पॉलिटिकल ग्रुप्स में लोगों में वो अपने जेब से रिवॉल्वर निकाल के तो वो अवाम पे सीधा फायर कर रहा है ये ये वजीर अमूर कश्मीर और उसने ये बताया है कि मैं बहुत सराय हूँ मैं गोली चला सकता हूँ और तुम्हारा कानून मेरा कुछ नहीं बगाड़ सकता हमारे सामने आजाद कश्मीर का कोई कानून जो है वो दरगोरे इतना नहीं है अब कोई स्थिति है है इससे इससे यानी मेरा नेक्स्ट जो सवाल वो ये आता कि नीलो वैली में भी पाकिस्तानियों ने फायरिंग की जो वर्दी वाले थे ठीक है थी? जी फायरिंग की कम से कम दो आदमी जो है शहीद हो गए बेशुमार जख्मी हुए इसको आप कैसे देखते हैं सर न सिर्फ जो है वो सिविलियन जख्मी हुए बल्कि और डीसी भी जख्मी हुए जब उन्होंने लोगों के तहफ के लिए कुछ अपना रोल प्ले करने की कोशिश की तो उनको भी जख्मी किया गया है और जाहिर है कि ये ये काम तो जो है ना एफसी वाले ये खबर पखतनख्वा में नहीं कर सकते ये पंजाब में नहीं कर सकते ये सिंध में नहीं कर सकते क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है कि ये आपके गलामों का एरिया है इसको जिस तरह मर्जी चाहे आपके हुक्म की कोई हुक्म अदूली कर नहीं सकता वो तो एक नौजवान था जिसने मजामत की कि भाई हमारी खबीन बैठी हुई है, है आपने अगर कोई आपको किसी गाड़ी की जरूरत है तो यहाँ जो इदारे हैं पुलिस है, है बाकी सिविल इंतजामिया है वो आपके लिए गाड़ी की मैनेजमेंट करेंगे आप खुद से बंदुक की नोक पे तो प्राइवेट लोगों की गाड़ियों को अपने जाती इस्तेमाल में नहीं ला सके इस मजामत पे

तो पाकिस्तान से ये जी की है। जिन भेजा है तो उनको वापस ले जाने का भी उनका ये कि मारी को वो गाड़ियों से निकाल कर करें। ये उनका काम बनता है, फिर आगे बात आती है जिस से मारा जिस तरीके से बदतमीजी उन्होंने की है वो फिर ये मैं समझता हूँ कि हमारे आपके भी दोस्त हैं हमारे भी दोस्त है सदाकत मुगल साहब उन्होंने ऐसा किया किरदार अदा किया आठ मकाम में उन्होंने धरना दिया रास्ते को बंद कर दिया लेकिन क्या आखिर में आप इसका हल क्या क्या नतीजा निकलेगा लोग क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए मैं हाँ मैं याद साथ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि इस मौके पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए इस मौका पर आजादी और खुद मुख्तारी के नारे लगाए और आर्मी को भी बुरा भला कहा गया नहीं ये कहा गया कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है मतलब यह है कि ये एफसी के लोगों की ये जरूरत नहीं हो सकती कि इस तरह की अगर उनको आर्मी की सपोर्ट हासिल ना हो वहाँ बहुत नारे लगे हैं और लोगों ने अपने जज्बात बरहमी का अपनी भरपूर मुजाहरा किया अपनी गुलामी का रोना भी रोया और यकीन सदाकत मुकल साहब उनके साथी और दीगर वहाँ के जो नीलम आ, वैली के जितने भी लोग हैं आ, वो वो खराज तहसीन के मुस्क हैं कि उन्होंने जुरत से आ, इसका मुकाबला किया वो ज़हमी हुए उनके लोग शहीद हुए और हम इस वाक़े की बहुत शदीदल्फात में मजम्मत करते हैं और आलमी इदारों से कहते हैं ख़ास करके यूनाइट नेशन से और यूनाइट ने सिकोरिटी काउंसिल से कि वो ए, इस खत्े को आ, जो है वो खसूसी तौर पर अपने तोज्जो दें क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी यहाँ के लोगों को कि तफ का जो है ना उन्होंने एक अहद किया था और पाकिस्तान ने जो जो यू एन रेजोल्यूशन हैं वो उनका एक सिग्नेटरी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के आपने जेर इंतजाम इलाकों के अंदर लोगों की जान और माल के तहफ के बजाय उनकी अपने मफादात के लिए अपने मतलूब नतज बरामद करने के लिए लोगों को हाई करके रखा हुआ है और आजाद कश्मीर और के लोग फ्रेंकली स्पीकिंग वो टोटली हाई जैक है शौकी साहब ये नहीं देखिए इंटरनेशनली जब हम बात करते हैं बरतानिया में एक पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप बना हुआ है फॉर कश्मीर जी उनके जो है ना टूकों का रुख सिर्फ एक तरफ है इंडिया ने ये कर दिया इंडिया ने वो कर दिया यस जहाँ इंडिया ने गलत कार्य किया दरवास तो भी, भी है यहाँ पर भी गोलियां चली है बंदे मारे गए बतमीजी हुई है कितने लोगों को यह रखमार बनाया गया है इस पर तोजह नहीं दे रही इस पर कोई आपका कोई है एक मिली है आपकी देखिये बात यह है कि बरतानिया में जो भी हमारे कश्मीरी दोस्त खास करके वो लोग जो लोगों की यानी कश्मीरी आवाम की इज्जत बकार और उनके हकूक की जदोजहद में मसरूफ हैं खास करके आप मैं मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोगों को अपना एक कायदाना रोल वहाँ प्ले करना चाहिए लेटर्स भी लिखना चाहिए और इस सारी सिचुएशंस को एलोब्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान वहाँ क्या कर रहा है हमने अभी एक लेटर लिखा था जो है और उसका उन्होंने जवाब भी दिया और शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि जो जो भी आपकी कंसर्नस हैं अपनी आइंद आइंदा की रिपोर्ट्स में हम उनको भी शामिल करेंगे लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि कश्मीरी की एक बड़ी तादाद जो है वो बरतानिया में आबाद है और अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो एम्बसीज से डील होते हैं या मुख्तफ एजेंसियाँ उनको जो है वो डील करती हैं वो हमेशा शोर शराबा करके तो सारे पार्लियामेंटेरियंस की जो वो श्रीनगर की तरफ मफजूर कराने में काम है हालांकि ये सारे लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखते हैं और इनकी मजोरिटी ने कभी आज़ाद कश्मीर के जो कंसर्नस हैं इनको कभी एड्रेस नहीं किया ये तो गनीमत है आप जैसे लोग जो आवाज़ उठाते हैं कश्मीरियों की इज्जत और वक़ार की तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें और ज्यादा एक्टिव होके इस पर कोई सेमिनार भी मनकद किया जाना चाहिए और uh, कोई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी आप उसको, उसको काल करें और इसमें इस्पेक्टिव आप सारे लोगों को बुलाएं जिसकी अपने वतन के लोगों के साथ ज़रा सी भी महब्बत होगी वो पार्टिसिपेट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा ये जो अब इस 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 है, इस दबाव से लोगों को निकल आना चाहिए कि हमने अगर सच्ची बात की तो हम पे लेबल लग जाएगा कि हम इंडिया इन, इन, हैं देखिए इंडिया के पूरी हिस्ट्री के अंदर वहां तो इलेक्शन होते रहे हैं लेकिन आप ये देखिए कि वफाक के अंदर यानी मरकजी हुकूमतें चाहे वो आ, कांग्रेस की रही हूँ या बीजेपी की रही हूँ उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी हुकूमतें बनाने की कोशिश नहीं की है वहाँ कोई एक रवायत भी ऐसी नहीं है कि कोई बैलेट बॉक्स उठा के तो कोई भाग गया हो या वहाँ के लोगों के जो उन्होंने वोट कास्ट किए हैं वो कहीं जंगल से या किसी सड़क से लोगों को मिले हों वहाँ ठीक है कि बाद में हुकूमत बनाने के लिए आ, कुछ मशावरत होती है आ, और पार्टियां जो जीत के आती हैं इलेक्शन में तो वो अपने मफदात के लिए या मुस्तबिल पे नजर रखते हुए वो अपने अलाइंसिस बनाती हैं लेकिन वहाँ के इलेक्शन पूरे इंडिया के अंदर इलेक्शन रिग्ड की कोई रवायत इसलिए नहीं आप ये देखिए कि वो जो वेस्ट इस बंगाल है वहाँ वेस्ट बंगाल सॉरी ममता बनर्जी उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर से लेके तो वजी दाखिला तक सबने कम्पेन की और कोशिश की कि उनकी पार्टी जो है वो बीजेपी की वहां बने लेकिन उन्होंने कोई गैर मामूली हथकंडे ऐसे इस्तेमाल नहीं किए नतज बदलने के लिए और वह डंके की चोट पे ममता बनर्जी जो है वो इलेक्शन जीत के बावजूद तमाम जो भी बीजेपी के वसायल थे वो सारे उन्होंने लिए लेकिन जमहूरियत का कमाल ये है कि फिर भी लोगों को उनकी आजादाना आराप है किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कोई रियाती इदारे ऐसे इस्तेमाल नहीं किए गए कि, कि वहाँ जना बैलेट बक्स उठा के ले जाए या रात को जो है ना वो मुखालफ कैंडिडेटों को जो है ना वो हाउस अरेस्ट कर दिया जाए और या वो डिटेक्टर सिकोरिटी के नाम पे डिटेक्टर वाले डिरे वो करें कि जी अब हमने देखना है और उसके बाद सारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दें और उसके बाद वो बॉक्सों बॉक्स भर के तो बाहर कि ठीक है जी यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक तो यहां ये ये भी किया गया है कि वो डिटेक्टर जो है वो ले जाके ऐसे ही लोगों को दिखाया गया कि हम जरा देखना चाहते हैं कि को कोई ऐसी चीज तो नहीं है कोई मोबाइल फोन तो इधर नहीं है और सबको बाहर निकाल के और जब अपने ये एक बात ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की इंसामिया को इमरान खान को और सिक्योरिटी जो एजेंसी उनको कि हर बार वो एक नया तरीका जो है याद करते हैं रिगिंग का और इसमें ठीक है अभी इंसान भी इस्तेमाल होती है सारे होते हैं पर यहाँ पर मैं टूवर्स एंड में ये कहना चाहूँगा फिर मुझे नीलम की तरफ जाना पड़ेगा देखिए नीलम वो जगह है जहाँ जो मेन लॉन्चिंग लॉन्चिंग पैड था मिलिटेंसी के लिए वहां के लोगों ने बड़ी सफरिंग की है बहुत मार पड़ी है उधर से भी बम आता था इधर से भी जाता था तो लोग मारे जाते थे, थे और बहुत से लोगों के साथ नानसाफी और जुल्म हुआ वहां पर ठीक है जी अब जब के इन लोगों ने जिस बात में आकर पाकिस्तान मुर्दाबाद आर्मी को मुर्दाबाद कहा वगैरह वगैरह आजादी खुद मुख्तारी के नारे लगाए हैं तो आपके व्यू में क्या उनको फिर ये वो पूरा एक मिलिटराइज जोन है सिक्योरिटी एजेंसी का बड़ा सख्त कंट्रोल है वहां पर तो क्या उनको कोई तकलीफ नहीं होगी देखिए जनाब उनके उनको डेफिनेटली तकलीफ होगी मुमकिन है दो महीने तीन महीने चार महीने इंतजार किया जाए जब ये जज्बा थोड़े से ठंडे होंगे इन कतरीका वारदात ही ये होता है कि एक एक बंदे को पकड़ के और एक को पकड़ते हैं तो दूसरा समझता है कि जी देखें जी अः इसने कोई ना कोई गलती की होगी प्रोपोगंडा इस तरह पहले ही उस बंदे के बारे में अमांग द मास जो है ना वो एक पहले प्रोपगंडा लॉन्च किया जाता है फिर उसकी सर्विलेंस शुरू की जाती है और अल्टीमेटली जिस वक्त उसको पकड़ा जाता है या उसको मारा जाता है तो कई एक लोग जो है वो रिया रिया प्र से मुता होके तो आ, लोगों के जज्बात और को ठंडा करने में अपना किरदार अदा करते हैं क्योंकि उनका शहर इतना मनजम नहीं है वो रियाती हथखंडों को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते लेकिन मेरा कंस्टेंड है कि ये जो कुछ हुआ है नीलम वैली में वहां के लोग पहले से ही विक्ट थे बेचारे गुजा सत्तर सालों से वहाँ जो कुछ भी हो रहा है तो आप यकीन जानिए कि बाज ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोशल मीडिया पे बयान करते हुए भी तकलीफ होती है लेकिन ये है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है सुप्रेस्ड हैं और उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है ना वो अपने हक़ हाँ में नारे लगा देते हैं ये तो उस और ज्यादती की एक इंत हो गई कि जब लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं उन्होंने तमाम नतज की परवाह किए बगैर जो है ना ये नारा लगाया लेकिन वहां के लोग आप मुझे ये बताएं शाह गुलाम शा, से मुंतब होते थे माजर हैं उन्नीस सौ पैंसठ के इकहत्तर एक, एक के तो आप ये देखिए कि उनको वैली में नीलम वैली में बाकायदा भाई डिजाइन जो है ना वो भेजा गया वहाँ के आप वहां चले जाएं और ये आपको पता ही है कि ये लोग एक वक्त में आ, जो ह्यूमन राइट है यानी इन्होंने कभी एक एक जुमला जो है वो आजाद कश्मीर के या नीले वाली के लोगों की मिजरीज के हवाले से पूछने का ये तो वो लोग हैं जो आ, आ, वहां की एजेंसियों के ये काम करते हैं और बाहर आके जस्ट मतलब यह एंटी इंडिया प्रोपोगंडे का हिस्सा बनते हैं वेयर एज के आ, इंडियन क, कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है वहाँ की लीडरशिप जो है उनकी जबान हमसे ज्यादा तेज है वो ज्यादा हमसे ज्यादा दलेर हैं और आप मैं आपको बताऊं कि एक दफा गानी लोहन साहब आए हुए थे उस वक्त वो हरीत कॉन्फ्रेंस के उस वक्त क्या यानी हरीत कॉन्फ्रेंस के वो लीडर थे और वो मुजफ्फरबाद में एक जलसा उनके आजाद में रखा गया जिसमें सरदार कयूम साहब मरूम भी थे तो उन्होंने कहा यार बात यह है कि आपसे तो हम बेहतर हैं कि आप तो अपनी गुलामी का अपने ऊपर होने वाले जुल्म ज्यादती का इजहार भी नहीं कर सकते हम कम अज कम अपनी गुलामी के खिलाफ आजादी की बात करने की हद तक तो आजाद है ये मुजफ्फराबाद के अंदर उन्होंने खड़े होके कहा था और कल आ, वायर पे फारूक अब्दुल्ला ने जो इंटरव्यू लिया ये आजाद कश्मीर का कोई लीडर ऐसी जरूरत कर सकता है ये है डेमोक्रेसी है की, की डेमोक्रेसी जो आपको सफेद देती है कि वो आप अपने अपने हकूक की बात करते हैं आप अपने साथ होने वाली की बात करते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल इनक्रोचमेंट में बात करते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है कि शाम को जो है ना कोई आई एस आई के या कोई राह के दो अफसर आएंगे और आपको बढ़ा के अगवा कर लेंगे यहाँ के लीडर तो ये सारे सुधाए हुए हैं जिस तरह जानवरों को सधाया जाता है इस तरह आजाद कश्मीर के अंदर इदारों ने यहाँ के जो भी बोलने वाले लोग थे उनको सुधाया गया है उनको, उनको उन पर किया गया है और आप मुझे ये बताएं हम तो खुद मुख्तार पाकिस्तान का नारा लगाते थे उन लोगों ने भी जब जब आजाद कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए छोटी छोटी बातें भी की है आप ये देखिए कि कैश खुर्शीद मरूम जिनको जिना साहब के साथ काम करने का एजाज हासिल था उनको कह दे तन्हाई भुगतना पड़ी कसरे दारत से उठा के दलाई कैंप के अंदर जो है ना और पंद्रह दिन तक हैं उनको कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए सरदार कयोम ने थोड़ी सी बात की कि हम सुबह नहीं बनने देंगे उन्नीस माह उनको जो है ना वो जेल काटनी पड़ी और वो लोग जो उनकी पार्टी के थे जिनको उन्होंने अपने हाथों से बनाया था वो सारे बदा माफ बना दिए पाकिस्तान ने उन, उनके खिलाफ तो ये तो हिस्ट्री है और मैं नहीं चाहता हूं कि तारीख पे ज्यादा बातें करके आपका वफा जया जाए करंट सूरत और मैं एक एक जुमला एक कह के तो हो कि आज भी जो शाहिद खाकान अब्बास साहब ने कहा है उनने कहा है कि देखो कंस्परेसी के है ये जो 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 ट्रम्प के साथ मिलके जो आ, वो करवा करवा रहे थे सालसी है और वर्ल्ड कप के 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 की ऐलान करके न्यूयॉर्क से आए थे ने कहा इनके डिज़ाइन ये हैं कि जोर ज़बरदस्ती से आज़ाद कश्मीर को और गर्गित बल्तस्तान को पाकिस्तान के साथ एनेक्स किया जाए और उसमें मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान की सारी जमहूरी कोफतों को ये उन्होंने नहीं कहा ये ये पहले आपको पता ही है कि बल्तिसान के इशू पे भी और उस पर भी आजाद कश्मीर पे भी सूबा बनाने के हवाले से आर्मी चीफ ने सारी पॉलिटिकल इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हूँ और खास करके उन्होंने उन्होंने पीपल्स पार्टी से बरावल भुट्टो को और मुस्लिम लीग से शहबाज शरीफ को बुला के कहा कि हम ये जाते हैं और इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो दरकार होंगी आपने इमरान खान के साथ तावन करना है ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये अब जो है वो मसला कश्मीर को इस तरीके से हल करना चाहते हैं लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसमें इंडिया को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और वो जो टाइटल वो ले लिए घूमते थे तो ये वक्त आ गया है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए इनिशिएटिव लें इंस्टेड के वो भी कोई प्रॉक्सी जो है वो चौबीस सीटें भर लें बल्कि इस वक्त जरूरत ज़रूरतर की है कि वो अपने उन वर्डों को उन प्लेज को और वो ट्रीटी ऑफ एक्शन के आ, का जो सोल एंड स्पिरट था उसके मुताबिक वो रोल अदा करें और किसी कॉन्फ्रेंस को कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करे कन्वीन करे और उसमें वो तमाम लोग जो आज़ाद कश्मीर के साथ हैं खास करके डाइ डाइसपोरा जिलावटन है उनको भी इनवाइट किया जाए और उन उनका नुकता नज़र भी सुना जाए ये मेरी तरफ हाँ तो आज, आज भी भी कल दो तीन, तीन से मेरी हो रही कुछ दोस्तों के साथ अच्छा वो फैसला करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का टिकट किसको देना है हुँ। वो दिल्ली से फैसला नहीं होता यहाँ पर यहाँ पर जो इस तरह मुफ्ती है वो महबूबा मुफ्ती है वो फैसला करती है यहाँ पर जहां पर हम आजाद हैं पीटीआई का फैसला को मिलेगा ये ब्रिगेडियर साहब करते हैं या इमरान खान साहब करते हैं इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून है वो भी फैसला में भी नहीं होता, होता है इसी से आगे पार्टी या उसका फैसला भी करने वाले वो हैं तो ये नहीं दूसरे में जो आम हम आजाद हैं हम यहाँ की लीडरशिप ये फैसला भी कर सकते है कि कौन सा हमारा उम्मीदवार है ये हमारी जाति का एक है आगे देख रहे हैं अभी खत्म हो गया या सिलेक्शन खत्म हो गई सारे ना जितने वाले जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं कहां पर पाकिस्तान भी गए हैं और आज एक खबर है, ये ये है, 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 मैं, है, है इसका एलान अफरान तारीख को करूंगा चाहे कभी आपको जैसे पता है कि दो तारीख को जो खूशी सीट है उन पर भी सिलेक्शन या इंत वो भी बनाया हो ठीक है अब सरदार तनवीर साहब साहब वही आदमी है जिन्होंने पैसा बेमार किया जिसमें ब्रिगेडियर साहब भी उसको भी दस करोड़ सुना उन्होंने दिए और लोगों को भी बहुत सा पैसा दिया है तो ये हम, हमारी आजी का ये मैार है कि हर फैसला हमारा जो है वो इस्लामाबाद से होता है लेकिन हम आज़ाद हैं तो वो मकबुजाएं यानी पर भी शर्म नहीं आती लोगों को वो शर्म कुछ लोग जो, जो इनके मफात खी हैं उन वो शर्म और के इन इन इन, इन तश्हात से जरा थोड़े से बलतर हैं आप ये देखिए इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के लोगों को भी बुलाया गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक साहब को भी बुलाया गया और उनके कहा गया कि आप इनको अश्योरेंस दी गई कि आपके आपकी एक एक सीट जो है वो वो सेफ है वो सेफ है और वो सीट सेफ हुई यानी कोर्ट में गालब ये था कि शायद हसन इब्राहिम साहब जो है वो नून लीग के कैंडिडेट के हाथों तो और ढूंढर रचाया गया बहरहाल मैं इस वक्त उस उस तफसी में नहीं जाना चाहता हूँ तो कहने का मतलब यह है कि जो भी काबिल खानदान या आप कह सकते हैं कि कोई जो इंफ्लुशियल लोग थे या उन सब लोगों को ये गई थी कि आपकी एक एक सीट को कोई खतरा नहीं है हमारा वही जो जो जैसे जो है वो जस्टिस अलबत्की ने कहा था कि मेरे पास आई एसाइक लोग आए और उन्होंने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सजा नहीं देंगे उसका मतलब आपने हमारे दो साल की मेहनत जया हो जाएगी तो जब उसने इनकार किया तो आप ये देखिए कि वो इबरत का निशान आ, बना हुए, बने हुए हैं हालांकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल के अंदर एक स्पेशल शोभा है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड लॉयर्स। लेकिन इस वक्त तक क्या कार्रवाई हुई है पाकिस्तान से कितनी एक जवाबदेही की गई है तो ये तो अब हम देखेंगे सितंबर में लेकिन ये हाल अगर पाकिस्तान में उन जजेस को जो डिक्टेशन कबूल करने से इनकार करते हैं तो उनके साथ ये है तो ये अशर है So जो पेरीफेरीज में रहने वाले लोग हैं आज भी वो मैं मैं तो समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग गए हुए थे तो उसको अपने जबान में कहते हैं था करना था कि बस थोड़ी बहुत बातें की सारा की लेकिन कंस्टेंट वही बताई तो जिनके जिन हक में वोट दिया वो वोट उन्हीं के हक में काउंट होना चाहिए था तो ये जो है वो लोगों के हकूकल करके तो फिर आप जो है वो सिक्योरिटी और पाकिस्तान की इज्जत और इंडिया का खौफ दिला के लोगों की जबानों को कब तक आप चुप रखेंगे लेकिन एक बात तो नहीं रहना चाहिए लोगों को अगर ये है, लोगों के हैं, धांधली तो के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए और अगर ये नहीं करते तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों का फर्ज है कि इनको भी एक्सपोज करें क्योंकि जहाँ ये बात आती है कि वोट को तो दो ये क्या इसे देनी है इस खे में नहीं देनी तो दूसरी बात यह आती तो है आपने इंडिया का जिक्र किया इंडिया का जिक्र किया है तो इंडिया के तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर वो कहते हैं कि महाराजा ने ला किया था और सारे का सारा जो जम्मू कश्मीर है उन कहा है तो फिर तो अगर पीओके में आजाद कश्मीर में में या गिलगित नानसाफी हो रही है जुर्म हो रहा है लोगों को मारा जा रहा है तो इंडिया ने आपने क्यों सी हुए हैं वो क्यों नहीं बोल रहे उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरे उस अगर उस इलाके के मुताबिक जो जिम्मेदारियां हैं या अनसिप रेजोल्यूशन के मुताबिक जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी की जाए ना वो देखिए बात यह यही मुझे कल परसों एक साहब इसी तरह कोई बहस करने लगे बल्कि एक साहब कहने लगे जी आप हैं आ, इंडिया का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने इस दफा फैसला किया है कि ये जो ट्वेंटी फोर सीट्स हैं इनको फिल किया जाए और इनको फिल जो है वो डाइसपुर यानी वो जो जलावतन कश्मीरी हैं मीरपुर से या मुजफ्फराबाद से या यानी पीओके से और गलगित बल्तिस्तान से तो मैंने थोड़ा सा उनसे कहा कि मैंने कहा पहले जो है वो जो रियासत है अब आपकी और हमारी कोई रेलिवेंस की बनती है तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के वाले से तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में लद्दाख जो है वो आपने अलग कर दिया तो अब हम किस असम्बली के जाके तो अगर फर्ज करें कि हम हम हमारी विश भी हो आ, हम जाना भी चाहें तो जो जिस स्टेट के एक बड़े हिस्से को आपने पहले से ही अलग किया हुआ है तो उस असेंबली की हैसियत क्या है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वहां की जो मकामी लीडरशिप है उन पे उनकी जो भारी बरकम आवाजें हैं उन, उनको दबाने के लिए आप इस तरह के कोई प्रोक्सीज कैंडिडेट तलाश कर रहे हो कि जो जो है वो वो मेंबर असम्बली बनने के लिए जाए और उनकी चढ़ाई फारूक अब्दुल्ला पे हो उमर अब्दुल्ला पे हो महबूबा मुफ्ती पे हो या उसके अंदर जो कोई हो जम्मू का हो भीम सिंह पे हो या दूसरे किसी उस पे हो मैंने कहा सबसे पहले इंडिया को हम हम 21वीं सदी में रहते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा और वो रिस्पांसिबिलिटीज वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी उनको डिस्चार्ज करने के लिए अपना एक रोल अदा करने कर, कर, करना होगा हम लोग तो कंसर्न सिटीजन हम तो अपने लोगों के हक की बात तो हमेशा करते रहेंगे लेकिन आप जो एक टाइटल ले लिए घूमते हैं कि जी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ने हमारे साथ है एक्सेशन की और उसी के तहत आपकी आप आ, आपको एक टाइटल मिला तो आपने क्या आप क्या रोल अदा कर रहे हैं तो इस मौके पे कहा किसी ऐसी असम्बली का हिस्सा बनना जिसमें लद्दाख शामिल न हो तो ये तो एक, एक मजाक ही होगा या जो समझिए कि कुछ लोग नौकरियां तलाश करने के लिए जा सकते हैं लेकिन ओवरऑल उसका उसकी उसकी होगी में सीख्या होगी पूरी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में कोई आप अपना बयानिया दुरुस्त ना करें तो इस तरह के हिस्से के अंदर तो ये ये इस तरह की भी चीजें हो रही हैं कि लोगों को किस तरह इन को किस तरह अंगेज किया जाए कि ये कोई अपनी इंटरनेशनल फोरम पे अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के बारे में चीजों को जो है ना वो ना ले जा सके तो हमें बखबर रहना चाहिए और पाकिस्तान ने के जो डिज़ाइन है वो डिजाइन एक्सपेंशनिज्म के हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को नक्स करने के गर्गि बलतान को हड़प के हैं और यहाँ उन्होंने किसी किस्म की कोई तामीर तरक्की नहीं की किसी तरह के लोगों के लिए कोई जॉब क्रिएट नहीं की कोई बेटरमेंट नहीं है पाकिस्तान का अपना हाल इतना बुरा है तो फेरी के लोगों का क्या हाल होगा तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों के कंधों पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं और हम दीगर डेमोक्रेट्स के साथ इंसानी हकूक के, के अलंबरदारों के साथ मिलके तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक्टिवली रोल प्ले करें इसमें ताकि ये 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 काम जो ये करना चाहते हैं इनको रोका जाए और इन पे प्रेशर जो है ना वो डाला जाए एंड एंड वेरी आप पाकिस्तान के लिए छोटा सा और सो आजाद कश्मीर के जो लोग हैं मैं उनके जैन गुलाम कहता हूँ बात है क्योंकि उनको गुलामी और आज़ादी की जो है ना उनको फर्क नहीं पता तशीस नहीं कर सकते इनके लिए कोई तो पैगाम देना चाहेंगे देखिए डॉक्टर साहब मैं अगेन उनके लिए उनका पैगाम हम देने वाले कौन से होते हैं हम तो खुद अब वहाँ के अवाम ही हैं लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ डॉक्टर साहब के लोग जहनी तौर तो पर गुलाम नहीं है ये चंद मफादा मफादे खसूस रखने वाले लोग जिनको अपॉइंट किया गया है जो मुख्तलिफ एजेंसीयों के अंदर नौकरियाँ करते हैं और उनको बढ़ाया हुआ है ट्विटर पे सोशल आ, उस पर जो प्रोपोगंडे करते हैं जो पोलिटिकल पार्टीज आ, की वो है आप ये देखिए कि पाकिस्तान में प्रोपोगंडा है कि जी वो मरियम नवाज साहबा का जो जो बयानिया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट इसको आजाद कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हालांकि आप ये देखिए कि एक जलसे से दूसरा जलसा ज्यादा बड़ा हुआ यानी जिस तरह की आजाद कश्मीर के अंदर मोबलईजेशन हुई इस तरह लगता था कि लोग लोगों ने पहली दफा इस तरह की वसिज सुनी है लोगों ने खुशी का इजहार किया और कितने लोग अंगेज रहे उन बातों से चूंकि उनको वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जब भी बात होती थी तो वो सबसे ज्यादा जाते थे तो आजाद कश्मीर के लोगों ने तो उस बयानियों को मुस्तरद नहीं किया ये उनके उनके सहलतकार हैं जो 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 चीजों को टन देने की कोशिश कर रहे हैं बाकी रहा प्राइम मिनिस्टरशिप का तो वो वो तो जाहिर है कि स्वाबदीद है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वो जिसको चाहें नामजद कर सकते हैं वो चाहें तो अपने तनवीर अलियास को करें चाहें तो बारिस सुल्तान को करें चाहें तो वह हक को करें आ, लेकिन मुझे अभी भी शायद कंस्टेंट है कि इस सेंसटिव एरियाज में इनको ज़्यादा जिनका कोई बैकग्राउंड जो है ना ख़ानदानी बैकग्राउंड इनकी खदमत गुजारी का हो ये उनसे बाहर निकल के किसी को शायद आपको शायद याद ही है कि जब सुल्तान महमूद चौधरी साहब को बेनजीर भुट्टो साहब ने प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया था तो उनको प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने पॉपर्ट बेलने पे चूंकि सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो किया कि हमारी तो कंस्टेंट है हमारी तो इनके बारे में रिजर्वेशन हैं और फिर बड़े इधर उधर से रिश्ते तल्क नाते निकाल के तो उनको क्लियर करवाया गया तो बहरहाल अभी देखिए आगे आगे क्या होता है आगे आगे से अगर बात की आती है ना जो अनवर इलाके हैं एक समझदार आदमी है सोच रखने वाला आदमी है मेरी उनके साथ काफी सीटिंग हुई है और मैं उन कुछ नहीं कहना चाहूंगा उनको इमरान खान साहब को कोई उस्मान बुजदार चाहिए वो तलाश कर लेंगे ठीक है सोच तो समझ रखने वाला आदमी उनको कबूल नहीं है था, 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 मैं आपको माफी चाहता हूँ ये सारे सारेदार ही हैं आजाद कश्मीर के जितने अच्छा। भी आ, तो इनमें कोई आप फर्क और तमीज ना करें अलबत्त ये तलाश करते हैं उन लोगों को जो थोड़ी बहुत स्टेट ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी सेंसिटिविटीज को इंटेलिजेंटली कौन आदमी जो है ना वो जरा अंडरस्टैंड करता है और उसको मैनेज करने की सलाहियत रखता है इस तरह की चीज़ें हैं बाकी हम तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को यही आपके प्रोग्राम के तब से कहेंगे कि हम किसी सूरत में भी आपको तनह नहीं छोड़ेंगे बल्कामी बरदरी में भरपूर तरीके से हम आवाज़ उठाएंगे इदारों में भी जितने भी डिप्लोमेटिक हेडकोटर्स हैं उनसे भी रबते रे करेंगे पहले भी हमने रबते किए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट को भी कहेंगे कि वो फॉलोअप में जो जो टू थाउजेंड सेवन की रेजोल्यूशन हैं उसके उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो अपना असर सूख इस्तेमाल करें और बरतानिया के भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी कहेंगे कि वो अपना रोल अदा करें क्योंकि इस खत की तकसीम में बरतानवी इस्टमेंट का भी बड़ा हिस्सा है तो लिहाजा वो आ, अपनी उन गलतियों के तदारक के लिए अपना एक रोल प्ले करें दूसरी अच्छा। बात यह है तो यूनाइटेड तो नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का दिसंबर में सेशन हो रहा है तो सितंबर में भी हम आवाज उठाएंगे सितंबर में सितंबर और, और इसी तरीके से इस दफा आ, आ, मैं समझता हूँ ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है हमें न्यूयॉर्क की तरफ भी जाने की जरूरत है कि वहाँ भी आ, लोगों को बताएं कि किस तरह इस मजमूम खिते के लोगों को के हकूक को सलब किया जा रहा है और लोगों की ख्वाहिशात को रूंदा जा रहा है और जोर जबरदस्ती के साथ उनके कुदरती वसाइल पर तो पहले से ही कब्जा किया हुआ है तो अब इंसानों को मजीद उनके गलों में गुलामी का जो तोक है कसने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं तो उसको थोड़ा सा डीला करने में अपना रोल अदा थैंक यू वेरी मच शोक साहब जो पैगाम हम देना चाहते हैं वो ये है कि डिस्पाइट ऑल द द द प्रेशर ऑल ऑल इंटिमिडेशन प्रॉब्लम्स आवर स्ट्रगल फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर